जनाब तवी फ्रंट हो जालम फ्रंट हो, मैं आपको बताऊंगा, ये तो हर साल बनेगा और हर साल बाढ़ में जाएगा। प्रैक्टिकल मैं बात आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं जालम पे रहता हूँ, हर साल मैं देखता हूँ वो पैसा फ्रंटों पे बढ़ाते हैं। ये फ्रंटों पे पैसा लगाना दौलत कमाने का काम है, इनके साथ ठेकेदार मिले हुए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन 10-15 दिन हम सबको बहुत प्यारा ये लगता है, जब बाढ़ आती है वो ख़त्म हो जाती है, उस पर मिट्टी भी बैठ जाती है, सब कुछ बैठ जाता है, फिर वो पैसे लगाएंगे उसमें। ये वही जम्मू की लेक का मसला है, आप देखो जम्मू की लेक कैसी बनी है, अब ज़रा इनको बोलो ना जवाब दे दें, 5 साल से तो ये है। सर अगर नॉन लोकल लेबरर्स की बात करें तो एक हफ्ते में 3 हमले जो है वो हुए हैं, देर रात भी एक हमला हुआ है, इस पर क्या? मैं आज ये बिल्कुल कहने पे कासिर नहीं हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, ये मिलिटेंसी का वापस आना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। क्यों? मैं मानता हूँ यात्रा हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हमें ये मानना चाहिए यात्रा को लोग भी खुद सिक्योरिटी देते हैं, तो आम इंसान की सिक्योरिटी किस पे छोड़ी है यात्रा पर भी पथराव किया गया है? मैं नहीं मानता हूँ। देखिए क्या होता है, जो पहलगाम में रहता है ऊपर, जब आप उसको घर नहीं जाने देंगे, क्यों उसको तकलीफ कर रहे हो? आप कहते हो 4:30 बजे से पहले आप पास निकालो हमारे से, कौन निकालेगा 4:30 बजे से पहले पास गाड़ी जाने का? मैं घर जाने के लिए पास निकालूँ क्या? यात्रा मेरे सर पे, लेकिन लोकल लोगों को तंग नहीं करो, वही लोग तो यात्रा अपने कंधों पे लेके जाते हैं, तो इसलिए यात्रा पे कोई पथराव नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएफिशिएंसीज है उसको लेके गुस्सा दिखाता है लोग, यात्रियों को कहीं पे भी कोई नहीं। इंजर्ड हुए यात्री, तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब वीडियो वायरल हुए होंगे, वो इन चीज़ के वायरल हुए हैं कि घोड़े वालों का झगड़ा पड़ता है, या नहीं माता वैष्णो देवी में पड़ता है, हर एक जगह पड़ता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि होशियार हो जाओ, शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं, ये ठीक है यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है, यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग, और जहां उनको लग रहा है कि सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क, दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दिस थिंग्स। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टीज के नेता इकट्ठे होते हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाना है, अपनी पार्टी कैसे देखते हैं? मैं कहता हूँ आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर बचाना है, हमारी रियासत जो थी, हमारे 3 खिते थे, एक खिते को हमसे तो अलग किया गया, 2 खितों को डाउनग्रेड किया गया, पहले जब मैं जम्मू कश्मीर की लड़ाई जीतूंगा फिर मैं भारत की लड़ाई के बारे में बोलूंगा। तो आपको लगता है 2024 से पहले जो ये महागठबंधन बन रहा है कि ये कोई इफेक्ट डालेगा? ठीक है, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, यहाँ तो पहले ही मिले हुए हैं, ये चारों जमातें इकट्ठी हैं, यहाँ तो ना ये फ़र्क है कि बीजेपी अलग है, यहाँ बीजेपी पीडीपी एनसी एक ही हैं, तो कांग्रेस भी मिल गई, अब इतनी फर्क है, कांग्रेस भी इनके साथ शामिल हो गई, ये तो एकजुट है, और इनकी पॉलिसियाँ जम्मू कश्मीर को लेके एक जैसी हैं, ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके राइट्स ख़त्म करने पर तुले हुए हैं मुख्तलिफ बहानों से, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता है कि यहाँ कोई 2 गठबंधन है, यहाँ एक ही गठबंधन है, चाहे वो अलग अलग भी ये हों, लेकिन ये मिले हुए लोग हैं। 5 मरला प्लाट देने की बात हुई, आपको लगता है लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए ये? नहीं, देखिए ये डेवलपमेंट के काम है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, गरीबों का मसला है, क्यों नहीं, अच्छा है, मैं कहता हूँ शहर जम्मू और शहर श्रीनगर में भी दे दो, इसमें इलेक्शन के साथ, और यार जम्मू कश्मीर में कौन से इलेक्शन, किन इलेक्शनों के सपने आप ही देखते हो सियासतदानों की तरह, कहाँ ये इलेक्शन करेंगे, अगर किसी गरीब को 5 मरले मिलेंगे वो गनीमत है। तो